नमस्कार। देश के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पब्लिक टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, देश भर की खबरों के लिए हमारे चैनल की इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। जी हाँ, इस वीडियो में बताने वाले हैं मोदी सरकार के कोरोना वायरस को लेकर किए गए अब तक इंतजाम के बारे में और गरीब मजदूरों को लेकर किए गए बड़े ऐलान के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहते हैं कि सलमान खान ने जो है प्रधानमंत्री राहत कोष के अंदर जो है गरीब मजदूरों को जहां पैसे देने का ऐलान किया है, वही अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। जी हां, अगर आप भी जो है डोनेट करना चाहते हैं, गरीब मजदूरों की सहायता करना चाहते हैं, तो आप हमारे न्यूज चैनल के गूगल पे, पेटीएम, फोन पे नंबर 9050891000 पे आप डोनेशन दे सकते हैं। और डोनेशन का माध्यम आपको पहले ही बता दिया गया है कि गूगल पे, पेटीएम या फोन पे आप कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, जो वीडियो के नीचे टैब में आपको नंबर जारी होगा, आप इस नंबर पे अपना डोनेशन दे सकते हैं। जी हां, एक रुपए से लेके लाख रुपए तक आप कितनी चाहे उतनी सहायता कर सकते हैं। और हमारे न्यूज चैनल की तरफ से हर व्यूअर से गुजारिश की जाती है कि आप कम से कम 10 रुपए जरूर डोनेशन कीजिएगा। चलिए नजर डालते हैं देश की कुछ बड़ी खबरों पे। आपको बता दें कि आज देश के अंदर पेट्रोल के दाम 69.59 रुपए हो चुके हैं, वही डीजल के दाम 62.29 रुपए आज देश के अंदर अंकित किए गए हैं। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच भारत में सोने की कीमतों में पिछले 6 महीने की सबसे बड़ा उछाल आ चुका है। जी हां, सोने की कीमत आज देखी जाए तो बाजार के अंदर सोने का भाव 43,643 रुपए हो चुका है प्रति 10 ग्राम, ये भाव बताया जा रहा है, जो आज तक की 6 महीने के बाद सबसे बड़ी तेजी बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि लॉकडाउन पर राहुल गांधी ने कहा कि मुझे संदेह है सरकार बढ़ा सकती है मियाद, यानी लॉकडाउन का समय सरकार बढ़ा सकती है। राहुल गांधी ने ट्विटर पे सरकार को पत्र लिखा। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि लॉकडाउन में आसमान से भी हो रही निगरानी, ड्रोन की सहायता से छत्तीसगढ़ पुलिस रख रही नजर। जी हां, आपको बता दें कि ड्रोन संचालक छत्तीसगढ़ पुलिस ने रखे हैं आसमान के अंदर, ऊपर ड्रोन उड़ रहा है और ड्रोन अगर आपकी गाड़ी कहीं पे जा रही है, अगर आप कहीं पे टहल रहे हैं, तो ड्रोन आपकी तस्वीरें कैद कर लेगा। अगली वीडियो में आपको बता दें कि लोगों की मदद के लिए आरएस सामने आ चुका है, स्वयंसेवक 30,000 परिवारों तक खाना पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली और एनसीआर में रह रहे छोटे तबके की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आरएस के लोग उन तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि लॉकडाउन तोड़ घर से निकले 14 दिनों के लिए भेज जाएगा आइसोलेशन सेंटर। जी हां, अगर आपने लॉकडाउन को तोड़ा तो आपको बता दें 14 दिनों के लिए आपको आइसोलेशन सेंटर भेज दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि इंडिया से कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 1026 हो चुकी है, 27 लोगों को मौत भी हो चुकी है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि भारत के अंदर जो कोरोना वायरस से मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, अब तक 1026 मरीज भारत के अंदर पाए गए हैं, 27 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि लापरवाही से अगर आपने कोरोना वायरस को फैलाया तो आपको जेल हो सकती है और बीमारी फैलाने पर आपको आईपीसी धारा 269 और 270 के तहत आपको जेल भी हो सकती है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि पुलिस ने मजदूरों से बड़ा ट्रक को पकड़ा, ओडिशा से राजस्थान जा रहे 52 मजदूर, लगभग 8 लाख से ज्यादा मजदूर दिल्ली से पैदल अपने घरों की तरफ निकल चुके हैं, जिसको लेकर सरकार ने काफी बड़ी चिंता व्यतीत की है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि सलमान खान दिहाड़ी मजदूरों की आर्थिक सहायता करेंगे, 25,000 मजदूरों की बैंक अकाउंट डिटेल मांगी गई है जिसमें सलमान खान पैसा डालने वाले हैं। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि प्रशासन की पहल, डिपुओं में 25 रुपए में 2 किलो आलू, 30 रुपए में 2 किलो प्याज दिया जा रहा है, जिसको लेकर आपको निर्देश जारी किए गए। अगर आपका डिपो संचालक आपको इस रेट में प्याज या आलू नहीं दे रहा है तो आप हमारे न्यूज चैनल के नंबर पर कंप्लेन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि एक से दूसरे जिले में जाने पर भी रोक लगा दी गई है, सीएम ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दे दिए हैं। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कनिका कपूर की चौथी कोरोना रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई। जी हां, पॉजिटिव मामला आ रहा है कनिका कपूर का, कोरोना वायरस ने कनिका कपूर को जकड़ा हुआ है, परिवार के लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी है, कनिका कपूर को लेकर सभी बॉलीवुड चिंतित है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कोरोना से कमाई कर रहा है चीन, स्पेन को भेजे 3,456 करोड़ रुपए के मेडिकल उपकरण। आपको बता दें कि चीन ने अब उपकरणों से कमाई करने का धंधा ढूंढ लिया है। जी हां, इसको लेकर चीन पे संदेह भी किया जा रहा है। ये थी आज की देश भर की बड़ी खबरें, आपको कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से आपको बता दें कि आप हमारे चैनल के इस नंबर पे 9050891000 पे डोनेशन कर सकते हैं, 1 रुपए से लेके कितना भी आप डोनेशन कर सकते हैं आपकी गरीब मजदूरों की सहायता करने के लिए। आपका धन्यवाद, जुड़े रहिएगा हमारे न्यूज चैनल के साथ, बने रहिएगा। ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल की इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।